गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेस्ट डायपर इन 2023। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतने सारे डायपर जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आज हम इनका टेस्ट करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपके बेबी के लिए सबसे बेस्ट डायपर कौन सा रहेगा, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, और जो है वो बेबी को जो है वो रैश फ्री कौन सा डायपर रखेगा। और कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ मैं आज, ताकि आपका बेबी जो है ना वो रैश फ्री रहे। नायसा के साथ भी एक बार हुआ था, उसको रैश हो गया था। तो मैंने क्या क्या जो है ना टिप्स अपनाया और डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आज हम इन सभी डायपर्स का जो है ना वो लिक्विड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा ड्राई जो है ना वो लास्ट तक कौन सा डायपर रहता है, प्राइस में आपको सस्ता कौन सा डायपर पड़ेगा, और आपके बेबी के लिए जो है ना वो स्किन पे रैश फ्री डायपर कौन सा रहेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सभी डायपर जो है वो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, क्योंकि इनके बड़े पैक्स मिल रहे थे अमेजोन पे, बट मैं अमेजोन के लिंक्स भी डाल दूंगी, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो पैम्पर्स का बेबी ड्राई डायपर है और ये एल साइज में लिया है मैंने, और ये आई थिंक 18 पीस का पैकेट है। और इसका प्राइस जो है ना वो इसका प्राइस जो है वो 379 रुपीज है, बट 10-5 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर अगर आप ऑफलाइन भी लेते हैं तो, और ऑनलाइन लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैनी पॉको पैंट्स का, और ये भी जो है ना वो एल साइज में लिया है। ये 7 पैंट का पैकेट है और ये मिला है मुझे 99 रुपीज में। उसके बाद मैनी पोको पैंट्स का ही जो है ना वो एक्स्ट्रा अब्सॉर्प्शन वाला जो डायपर है ना वो मैंने लिया है, और ये जो है ना वो 10 जो डायपर है उसका पैक है, और इसका प्राइस जो है ना वो 199 रुपीज है। और सभी के साइज जो है ना वो एल ही है, तो बार बार मैं साइज नहीं बताऊंगी, सबके एल साइज है, क्योंकि मेरी नायसा को अब एल ही आता है, तो फिर जब लिया है तो बाद में उसको यूज में आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पैम्पर्स का हैप्पी स्किन पैंट, जो कि एंटी रैश लोशन के साथ में आता है। ये 6 पैंट्स का पैकेट है और ये भी जो है ना वो 99 रुपीज में आता है। पैम्पर्स थोड़ा सा महंगा आता है। और यहाँ पे मैंने हिमालय का लिया है टोटल केयर बेबी पैंट्स, और ये भी जो है ना वो 9 पैंट्स का जो पैकेट है, और इसका प्राइस जो है वो 180 रुपीज है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है हगीज का पैंट, तो इसका प्राइस जो है ना वो 70 रुपीज है, और इसके ऊपर जो है ना वो पर पैंट आपको 14 रुपीज का पड़ता है, और इसके अंदर जो है ना वो 5 पैंट्स है, एल साइज है। तो फ्रेंड्स, हगीज का जो है ना एक और डायपर आता है जो कि रेड कलर के पैकेट में आता है, वो आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा, वो 2 के सेट में आता है। जब नायसा छोटी थी ना तो मैं वही वाला डायपर नायसा के लिए इस्तेमाल करती थी, 3-4 महीने तक जो है ना उसका मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज इस्तेमाल करती थी। और अगर आप पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना तो फिर 5% आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपने वो वाला डायपर अभी तक ट्राई नहीं किया है अपने बेबी के लिए तो जरूर करिएगा, काफी सस्ते में काफी अच्छा डायपर आता है वो। मैं जब नायसा मेरी छोटी थी ना तो मैं सबसे ज्यादा वही वाला डायपर नायसा के लिए यूज करती थी। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था उस डायपर का, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था उस डायपर का और काफी अच्छा रहता था नायसा के लिए। और उसके बाद मैं अभी लेटेस्ट में जो नायसा के लिए यूज कर रही हूँ ना, ये वाला डायपर है। ये वाला जो डायपर है ना, ये लिलीफ का डायपर है, टाटा प्रोडक्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, डायपर पैंट्स एक्स्ट्रा ड्राई। और ये वाला पैंट्स का जो पैकेट है ना वो एक्चुअली में नायसा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब से मैंने ये वाला डायपर यूज करना स्टार्ट किया है ना, नायसा को बिल्कुल भी रैश नहीं होता है, तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। तो चलिए अब आपको कुछ रैश के ऊपर टिप्स दे देती हूँ, बिकॉज नायसा को जब रैश हुआ था ना तो हम डॉक्टर के पास लेके गए थे उसको, तो डॉक्टर ने हमें बोला था कि अब बेबी वाइप्स जो आते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बेबी की पॉटी को क्लीन करने के लिए। तो हमने बोला हाँ हम बिल्कुल करते हैं, हमने तो बल्क में मंगा के रखा है 4-5 पैकेट और हम वही यूज करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे मना कर दिया कि आप बिल्कुल हटा दीजिए उसको, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बेबी के स्किन के लिए। कहने के लिए तो वो हाइजीन के लिए अच्छा होता है, बट उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बेबी की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और इससे उसको रैश हो जाता है। तो आप उसको बिल्कुल निकाल दीजिए और आप उसकी जगह जो है ना ये नॉर्मल जो वाइप्स आते हैं ना, ये नॉर्मल जो टिश्यूज आते हैं, आप ये वाला यूज़ करिए, ड्राई वाले। और
इसको यूज करने के लिए आप ऑयल ले लीजिए, कोई भी बेबी ऑयल ले लीजिए और उससे आप अपने बेबी की स्किन को क्लीन करिए। लाइक जैसे आप अपने बेबी का पॉटी पानी से भी वॉश करते हैं ना, उसके बाद भी आप टिश्यू से ड्राई करके उस पर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, तो आपके बेबी को कभी भी रैश नहीं होगा। और जब भी जब तक आप जो है ना वो वेट वाइप्स वाले टिश्यूज यूज करते रहेंगे, तब तक आपकी बेबी को जो है ना वो रैश की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से जो है ना वो पैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये सभी डायपर जो है ना वो पैंट स्टाइल में ही है, सब अब पैंट स्टाइल में ही आते हैं। नॉर्मल वाले डायपर तो मुझे नहीं लगता अब आता भी है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इससे पहले भी मैंने एक बार अपने चैनल के ऊपर जो है ना वो डायपर वाला टेस्ट किया था और आप लोगों को वो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो अगर वो वीडियो भी आप लोगों को देखना हो तो आप लिंक चेक कर सकते हो, आपको लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। वो वाला वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अमेजिंग वीडियो था वो भी। डालें तो ये कहीं भी हिले नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने बेबी को जो है ना वो ऑयल से कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू के ऊपर इस तरीके से ऑयल को स्प्रेड कर देना है, और जहाँ पे भी आपको क्लीन करना हो तो आप इस तरीके से बेबी की स्किन को जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं। इससे आपके बेबी का स्किन जो है ना एकदम रैश फ्री रहेगा, कभी भी उसको रैश नहीं होगा। स्किन के अंदर एक ऑयल की लेयर रहेगी जो कि आपके बेबी की स्किन को जो है ना वो एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होने देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बेबी जो है ना वो पॉटी करे तो आपको किस तरीके से क्लीन करना है। तो अब हम देख लेते हैं इन सभी डायपर्स के ऊपर लिक्विड को पोर करके कि सबसे ज्यादा ड्राई जो है वो कौन सा डायपर रहता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास कप, ये है 160 ml का। तो इस 160 ml के कप से हम सभी डायपर्स के ऊपर जो है ना वो 160 ml लिक्विड डालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कौन सा डायपर जो है वो ड्राई रहता है, और उसके बाद जो है वो दोबारा से हम लिक्विड डालेंगे। तो चलिए फटाफट से 160 ml लिक्विड डाल लेते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं पैंपर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स लिक्विड जो है वो हम एक ही जगह डाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि लिक्विड जो है वो फैल रहा है या नहीं। तो चलिए अब दूसरे डायपर के ऊपर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे डायपर्स जो है ना वो रैश फ्री तो आते हैं, लेकिन आपको भी जो है ना वो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपके बेबी को रैश फ्री रखना है। तो सबसे पहले तो आपको कभी भी डायपर को पूरा भरने का वेट नहीं करना है। 70-80% जैसे ही आपके बेबी का डायपर भर जाए तो आप चेंज कर दीजिए, ओवरफ्लो होने का वेट मत करिए। और अगर आपने बेबी को अभी अभी डायपर पहनाया है और उसने पॉटी कर दिया तब भी आप वेट मत करिए कि थोड़ी देर बाद आप क्लीन करेंगे या चेंज करेंगे डायपर को, आप फटाफट से चेंज कर दीजिए। 9-10 रुपए का नुकसान मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी बेबी की स्किन खराब हो सकती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। और अब हम डाल रहे हैं हगीज पे। और ये है हिमालय। तो सभी डायपर्स पे जो है वो हमने 160 ml लिक्विड डाल लिया है और अब हम इसका करने वाले हैं टिश्यू पेपर से चेक कि सबसे ज्यादा ड्राई जो है वो कौन सा डायपर है अभी। तो फ्रेंड्स सभी डायपर्स के ऊपर जो है वो लिक्विड को पोर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए फटाफट से जो है ना वो चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा नमी है ना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टेस्ट में जो है वो सभी टिश्यू एकदम ड्राई निकले हैं, किसी के ऊपर भी लिक्विड नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं सभी जो डाइपर्स है ना, ये हल्का सा मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर आया है, बट इतना कोई मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा नहीं है, वरना कलर आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि हमने ब्लू कलर यूज किया है। तो चलिए सेकेंड राउंड का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और दोबारा से मैंने यही वाला जो है ना वो डब्बा ले लिया है, और इसी से जो है ना वो हम फिल करेंगे इसको। तो चलिए अब दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से जो है मैंने इस मैजिंग कप को जो है वो फिल कर लिया है, और अब जो है हम इसके ऊपर लिक्विड डाल रहे हैं। तो ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं ना, सभी डायपर्स में जो रहते हैं ये गार्ड्स होते हैं, जो कि आपके बेबी के टॉयलेट को जो है ना वो बाहर आने से रोकता है। जैसे आपके बेबी का डायपर फिल हो जाता है ना, तो ये गार्ड्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सुसु को जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है कि बेबी के डायपर से बाहर ना आए। ये जो है वो लिक्विड को थोड़ा देर से अब्सॉर्ब कर रहा है, सेकेंड राउंड वाला। फर्स्ट राउंड तो अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया था इसने फटाफट, सेकेंड राउंड वाला थोड़ा टाइम ले रहा था अब्सॉर्प्शन में। तो फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड का जो है ना वो लिक्विड हमने डाल लिया था, और उसके बाद जो है वो 5-5 मिनट और हम रुके हैं। तो चलिए अब जो है दोबारा से टिश्यू को जो है वो टैप करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कोई भी टिश्यू जो है वो गीला नहीं हुआ था। तो हम दोबारा से यही वाला टिश्यू उठा रहे हैं। नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नमी नहीं है, वो हल्का सा लगा था। देखिए सेकेंड राउंड में जो है ये वाला टिश्यू भी बिल्कुल ड्राई है, इसको आप कहीं से भी गीला नहीं बोल सकते हो। ये देखिए ये वाला टिश्यू भी ड्राई निकला है। हल्का सा लग रहा है ये, बाकियों के मुकाबले अगर देखूं मैं तो ये हल्का सा थोड़ा लग रहा है। हगीज का गीला हो चुका है, ये बबल्स वाला। हाँ, बबल्स वाले ने गीला कर दिए। इसका मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो है ना वो थोड़ा लेट से लिक्विड को अब्सॉर्ब कर रहा था। ये वाला भी लगभग ड्राई है, इसको आप गीला नहीं कह सकते, ये थोड़ा ज्यादा गीला हो गया, ये गीला नहीं हुआ है। और ये भी हल्का सा गीला हुआ है, हल्का सा, तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये थोड़ा गीला हुआ है। तो अभी तक जो है जो गीला हुआ है थोड़ा थोड़ा वो ये वाला डाइपर है, उसके बाद ये वाला डाइपर है। तो चलिए थर्ड राउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं। दोबारा से जो है वो 160 ml लिक्विड सभी, मतलब सबसे ज्यादा जो गीला किया है अभी तक, मतलब ये हगीज ने, हगीज ड्राई पैंट्स 10 आवर्स वाला ये फेल हो चुका है। तो चलिए दोबारा से सभी नंबर पे ये इसकी ये वाला जो भी हम यूज करते हैं, बिकॉज़ ये सस्ता आता है, तो थोड़ा आराम से डालते हैं, क्योंकि ये भाई साहब बहुत फूल गए हैं। बट ये
डिस्कम्फर्ट देता होगा, बेबी इतना ऊंचा बिल्कुल रहेगा बट ये स्किन को ड्राई रखेगा, गीलापन बच्चे को नहीं फील होने देगा, माना हैवी फील होगा उसको रात को। आई थोड़ा बाहर निकल गया, सॉरी गाइस। नहीं सब बड़ा वहाँ से। तो बेटा मम्मा जहाँ काम कर रही है वहाँ आने को आपको कौन बोला? किसी ने बुलाया? फोन किया था किसी ने? चिट्ठी लिखा था? इनविटेशन दिया था? इसका नाम मेमी पोगो पैंट्स है, तो मम्मी मान लो ना, लास्ट टाइम मम्मी। हाँ सॉरी गलती से हो गया था लास्ट टाइम। तो ये मैमी पोको पैंट्स है, मैमी पोको पैंट। इसके ऊपर डालना चाहिए, ये तो पहले फेल हो चुका है बेचारा। इसके ऊपर डालने से ना इसी का बाहर आ जा रहा है। ये काफी बहुत है, धीरे 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 चलो। तो चलिए अब दोबारा से जो है ना, इस दोबारा से जो है ना वो चेक कर लेते हैं लिक्विड को। तो ये देखिए ये वाला जो डाइपर है ना, ये बिल्कुल हल्का सा नीचे, नीचे, अब नहीं पे रखो, नहीं पे। हाँ अब देखिए ये हल्का सा दिख रहा है। उसके बाद ये वाला डाइपर चेक कर लेते हैं, इसमें भी हल्का सा दिख रहा है। तो इससे बेहतर तो साला वो निकला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है रिजल्ट। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं देखूं जो सबसे ज्यादा ड्राई रहा है वो है ये मैनी पोको पैंट्स, सॉरी ये है पैंपर्स का बेबी ड्राई। और ये जो है ना वो 380 रुपीस का आता है, और ये पैकेट आता है, और ये हमें एक डायपर 21 रुपए का पड़ता है, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है। बट ये ड्राई रहने में सबसे ज्यादा जो है वो स्किन को, आपके बेबी की स्किन को ड्राई रखेगा। लेकिन ये हैवी बहुत हो जाता है, आप देखिए कितना हैवी हो गया है। अगर बेबी इतना हैवी रात भर पहनकर सोएगा तो काफी अनकंफर्टेबल रहेगा, बट स्किन उसकी ड्राई रहेगी, रैश होने की प्रॉब्लम जो है वो कम रहेगी। उसके बाद जो है वो मैनी पोको पैंट्स का जो है ना वो डायपर है, और ये वाला डायपर भी जो है ना वो बहुत हद तक ड्राई है। अगर मैं प्राइस वाइज कंपेयर करूं तो ये वाला डायपर मुझे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा का फर्क है, और इतना फर्क कोई मायने नहीं रखता है। तो ये वाला डायपर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, सॉरी अगर आपने मेरा इससे पहले वाला जो डायपर वाला वीडियो है ना वो अगर देखा होगा, उसके अंदर भी जो है वो मैनी पोको पैंट्स का डायपर ही विनर बना था। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ये मैनी पोको पैंट्स का ही एक्स्ट्रा अब्जॉर्प्शन वाला। तो ये वाला जो है वो इतना ज्यादा ड्राई नहीं है इसके मुकाबले, पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा अब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर, बट ये वाला डायपर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद है ये पैंपर्स का ये वाला डायपर, ये भी जो डायपर है ना वो काफी हद तक ड्राई निकला है। तो ये वाला भी डायपर अच्छा है, ये भी महंगा ही आता है, क्योंकि इसका प्राइस तो 99 रुपीज है, बट पीस कम मिलते हैं। तो अगर आप प्राइस वाइज कंपेयर करेंगे तो ये भी आपको महंगा पड़ेगा। ये तो 100% फेल ही हो चुका है, तो इसका क्या ही प्राइस बताना, बट ये भी 70 रुपए का आता है, और एक डायपर आपको 14 रुपए का पड़ता है। उसके बाद ये वाला जो है ना वो हिमालय का डायपर है, ये भी जो है वो गीला हो चुका है काफी हद तक, और ये भी जो है ना वो
180 रुपीस के समथिंग का मिला था मुझे और 9 पीस का पैकेट है ये। उसके बाद ये वाला डाइपर जो है ना, ये वाला डाइपर मुझे 62 पीस का पैकेट जो है ना वो मुझे 600 रुपए में मिलता है, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है, बट ये थोड़ा गीला जल्दी हो जाता है। और ये मैं बड़ा पैक यूज करती हूँ बिकॉज नाइसा को जो है वो जरूरत पड़ती है, मंथ में मेरा 1 से 1.5 पैकेट लग जाता है ये बड़ा वाला, तो छोटे छोटे पैक हम कितना ही खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% जेन्युइन रिव्यू लेकर आते हैं। ये सभी कंटेंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं फिर से जो है ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है बिकॉज अलग अलग ब्रांड के डायपर्स को हमने यूज किया है और इनमें से प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज कौन सा डायपर आपके लिए बेस्ट रहेगा वो रिजल्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगल सिंगल पीस डायपर जो है वो आपको कितने रुपए का पड़ता है, ताकि आपको आसानी हो पाए ये समझने में कि एक डायपर आपको कितने का पड़ेगा और आपके लिए सस्ता कौन सा रहेगा। तो ये वाला जो पैम्पर्स का डायपर है ना, ये एक पीस आपको 21 रुपए का पड़ता है, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है, बट ये ड्राई रहता है काफी लंबे समय तक और लिक्विड को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। ये वाला जो डायपर है ये आपको 14 रुपए का एक पड़ेगा और ये जो है वो मैरी पोको पैंट्स का जो है ना वो स्टैंडर्ड डायपर है, जो कि बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि ये जो है ना वो प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए का एक डायपर पड़ रहा है आपको, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके और इसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस में जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैनी पोको पैंट्स का ही एक्स्ट्रा अब्जॉर्प्शन वाले डायपर का, तो ये आपको 20 रुपए का एक पड़ता है, बट ये मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जब इससे सस्ता आपको ये मिल रहा है बेटर रिजल्ट के साथ में, तो आप ये वाला डायपर क्यों ही खरीदोगे ज्यादा पैसे लगा के कम रिजल्ट के साथ में। ये वाला डायपर जो है ना वो आपको 16 रुपए का एक पड़ता है और आप देख सकते हैं ड्राई है, काफी हद तक ड्राई रहता है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं क्योंकि आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छा रिजल्ट इस वाले डायपर का है और प्राइस में भी कम है, तो आप ये वाला मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि आप ये वाला डायपर ट्राई करो। उसके बाद हगीज का ये वाला डायपर है, जो कि आपको 14 रुपए का एक पड़ता है, बट कोई फायदा नहीं है, ये तो गीला हो गया है पूरी तरीके से, और 14 रुपए में ही जब आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है तो आप यही वाला ट्राई करना। उसके बाद है हिमालय का ये वाला डायपर, और ये भी आपको 20 रुपए का एक पड़ता है, और आप देखिए ये भी जो है ना वो गीला हो गया है, तो मैं तो आपको ये भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि महंगा पड़ता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद है ये वाला डायपर जो मैं यूज करती थी नाइसा के लिए, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ज्यादा गीला तो हो गया है, बट अफोर्डेबल ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने 3 बार इसके ऊपर लिक्विड डाला है, उसके बाद जो है ये इतना गीला हुआ है। तो अगर आप हमेशा अपने बेबी के लिए डायपर यूज करते हो और कुछ अच्छा सस्ता ढूंढ रहे हो, तो आपको ये स्टार बाजार में मिल जाएगा, आपके घर के पास अगर स्टार बाजार है तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो, सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे इसका प्राइस 1100 है, बट ये मुझे 600 रुपए में मिल जाता है, 62 पीस का पैक होता है और मैं ऐसा मंथ में 2 ले आती हूँ, तो ये हमारा 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे जो है वो मैनी पोको पैंट्स का जो है ना वो अब्जॉर्प्शन है, मैनी पोको पैंट्स का जो है वो स्टैंडर्ड वाला डायपर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज और ड्राइनेस वाइज। और सेकेंड नंबर पे जो है ना ये पैम्पर्स का ये वाला है, क्योंकि ये भी काफी हद तक ड्राई है और इसका प्राइस 16 रुपए ही पड़ता है आपको, तो ये भी काफी अच्छा है। और थर्ड नंबर पे मैं इसलिए इसको रखूंगी क्योंकि ये 21 रुपए का एक डायपर आता है, बट ये ड्राई बहुत अच्छे से रखता है आपके बेबी के स्किन को, तो अगर आपके बजट में हो तो आप ले सकते हो, वरना मैं तो इतना महंगा डायपर आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि एक बार की बात तो ये है नहीं, आपके बेबी को दिन में 3 से 4 डायपर लग जाते हैं, तो इतना महंगा डायपर यूज करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा मुझे कि इनमें से कौन सा डायपर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और मुझसे जो है ये टेस्ट में कौन सा डायपर छूट गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा डायपर का टेस्ट करूं ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय बाय।